केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा ने आयोजित किया सेवा सप्ताह। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सेलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर भाजपा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। सेवा सप्ताह की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सीता माता गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने बताया कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है और 24 अक्टूबर को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं द्वारा इस पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 25 अक्टूबर को इस सेवा सप्ताह का समापन होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं और आर्य सेवा मंडल द्वारा सेवा सप्ताह का शुभारंभ सीता माता गौशाला में गायों को गुड़ और चारा खिलाकर समाज में सेवा का संदेश देकर किया गया। सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, किस तरीके से मनाया जा रहा है? आज हमारी केंद्रीय गृह मिनिस्टर और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का जन्मदिवस है। आने वाली 24 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी का जन्मदिवस है। ये पूरे सप्ताह को हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। हमारा नेतृत्व जो है वो सेवा को महत्व देता है और उसी नाते से ये दोनों दिवस के साथ में इस सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी शहर जिला ने सभी कार्यकर्ताओं को सौंपा है। और उसी क्रम में आज आर्य मंडल के माननीय अध्यक्ष महोदय और उनकी समस्त टीम द्वारा सीता गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाकर इस सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई है। 25 तारीख तक हम ये सेवा सप्ताह मनाने वाले हैं। कोरोना की महामारी से धीरे धीरे हमारा देश बाहर आ रहा है। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, कोरोना हारे गए, इस संकल्प के साथ आज इस सप्ताह की हम सब लोगों ने शुरुआत की।